वेलकम बैक इन माय चैनल श्रद्धा सिंगला। और आज मैं जयपुर में हूँ और जयपुर की मैं जा रही हूँ आज करने शॉपिंग। तो अपने साथ मैं आपको दिखाती हूँ जयपुर में क्या क्या मार्केट है, कहाँ कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्या दाम में आपको मिलता है, कहाँ बार्गेनिंग चलती है, कहाँ नहीं चलती है। तो फिलहाल मैं यहाँ नीचे जा रही हूँ, ये है महारानी मार्केट करके। तो अभी ऑटो वाले भैया ने हम लोगों को यहाँ पे सजेस्ट किया सबसे पहले और बोला कि यहाँ पे आप लीजिए, फिक्स रेट है यहाँ पे, बार्गेनिंग नहीं होती है, बट रेट इनका काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी अच्छी होती है चीज़ों की। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे ये महारानी मार्केट करके है, अंडरग्राउंड मार्केट है और यहाँ पे आपको एक ही जगह पे कपड़े एंड बेडशीट्स एंड सब कुछ मिल सकता है। बट अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक बेडशीट परचेज़ की थी जयपुरी टाइप की प्रिंट के साथ और बस दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग ओपन मार्केट में जाने की सोच रहे हैं जहाँ वीडियोज़ अलाउ हों ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। बाकी यहाँ पर सूट वगैरह थे, फिक्स रेट है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता मिल रहा हो, अच्छा खासा रेंज है। अगर आप यहाँ शॉपिंग करना चाहें तो आगे एक बार एक्सप्लोर कर लें, अदरवाइज़ आप ओपन मार्केट लो या इससे बेटर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो मैं यहाँ बस एक्सप्लोर किया थोड़ी देर और क्योंकि जब वीडियो ना बनाओ तो पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं आता अब तो लग रहा है। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। और फिर अब हम आ गए हैं ओपन मार्केट में, सबसे पहले आए हम जौहरी मार्केट में जो कि आपके पिंक सिटी में पड़ता है। और जौहरी मार्केट और बापू बाज़ार बिल्कुल दूर नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पे, बस एक टर्न का फासला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना शुरू किया, एक्सप्लोर करना मार्केट को। रात हो गई है तो कुछ दुकानें बंद भी हो गई हैं, तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना है, चाहे वो ड्रेस हो या बैंगल्स हो। जूतियाँ काफ़ी अच्छी मिलती हैं यहाँ पे एंड हैंडबैग वगैरह देख लेते हैं, बट ऐसा कुछ लेके जाना मैं सोच रही हूँ ना कि जो जयपुर की निशानी जैसा लगे कि हाँ हम राजस्थान से या जयपुर से घूम के आए, तो मैं कुछ उस टाइप की चीज़ ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ मैंने हैंडबैग देखे, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के थे, अच्छे अच्छे थे। और जैसे कि ये वाला हैंडबैग जो है इन्होंने बताया था मुझे 950 में, बार्गेन करने पे हो सकता है और कम मिले, प्योर जूट का था, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना था। तो फाइनली हम लोग आए हैं एक बैंगल शॉप पे और काफ़ी अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे लग रहा है मुझे बैंगल्स का। तो कुछ यहाँ पे जैसे कि ये देखिए चूड़ा टाइप की सेट्स है और राजस्थानी चूड़ा भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। कांच की चूड़ियाँ हैं, तो कांच की चूड़ियाँ तो मेरे साइड पे भी मिल जाती है, तो मैंने ले रही कांच की चूड़ियाँ। और यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ या लाख की ज्वेलरीज बहुत ही फेमस है, तो ज्वेलरी तो काफ़ी हैवी हो जाती है और बहुत ही नाजुक भी होते हैं, तो मैं चूड़ी ले सकती हूँ यहाँ पे, तो वही मैं देख रही हूँ। और ये सीप वाली चूड़ियाँ हैं, काफ़ी भी अच्छे अच्छे जो आजकल ट्रेंडिंग ईयरिंग्स हैं वो भी इनके पास कलेक्शन है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा। और ये 50 रुपीज़ के दे रहे थे ईयरिंग्स वगैरह। ये बैंगल्स आप देख रहे हैं, ये राजस्थानी टाइप का मुझे दिखा, यहाँ पे हाथी घोड़े बने हुए, बट ये मेटल है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि एक पे परचेज़ कर लूँ। ये मुझे ये 200 में बता रहे हैं, बाकी बार्गेन करने पर देखते हैं कैसे देते हैं। और एक ये लाख की चूड़ियाँ मुझे मिली अच्छी, बताया तो इन्होंने 350 का दाम था, बट ये दो सिर्फ दो का पेयर है, तो ये मैंने सोचा ये मुझे बार्गेन करने पे मिला था 200 में एक। और ये दूसरा है, अभी आते हैं एक और आगे चलने पे हैंडबैग मुझे नज़र आया, एक पिटारे टाइप का इसका डिज़ाइन है, और ये मुझे इन्होंने बताया 1300 में। मैं बार्गेन करना चाहती तो बार्गेनिंग कर सकती थी, बट मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं इसको ले ही नहीं रही, तो बार्गेन करने में एनर्जी क्यों वेस्ट करना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, बैंगल ले ली है, अब कुछ इयररिंग या कपड़े या जूती जो भी पसंद आता है वो मैं लेती हूँ, कुछ कलेक्शंस अपने जयपुर की बनाती हूँ। तो अभी क्या ना नाइट हो गया है और मतलब रात के 10 बज रहे इस टाइम पे, तो बहुत सारी शॉप्स ओपन हैं बट आधी ही तो क्लोज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको दिख रहे हैं जो ड्रेसेस वो दिख रहे हैं, तो वो तो हर जगह मिल जा रहे हैं, मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ जूतियाँ हैं नागरे वगैरह, तो एक बार मैं दिखाती हूँ। मैं हालांकि मैं नागरा पहनती नहीं, मैं अपने भाभी के लिए ले सकती हूँ यहाँ से नागरा वगैरह। यहाँ ये सूट्स वगैरह काफ़ी कलरफुल ब्राइट कलर के साथ हैं, लग रहा है कि यहाँ राजस्थानी चटक कलर जैसे फेमस है यहाँ पे। तो ये सारी गोटा पट्टी के वर्क वाली चुन्नी है, बंदेज की है, जयपुरी रजाइयाँ भी हैं काफ़ी, बट मैं बेडशीट महारानी मार्केट से ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो यहाँ नहीं लेने वाली। और यहाँ पे भी अच्छे अच्छे सूट्स हैं, अच्छे अच्छे। और ये जूती मुझे पसंद आ रही, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखो घुंघरू लगे हुए हैं इन नागरों में, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं जूतियाँ।
आगे बच्चों के हैं, बड़ों जेंट्स के भी हैं। ये थोड़ा मुझे दिखा कि हाँ, हैंडीक्राफ्ट टाइप का होम डेकोर के लिए छोटी छोटी चीजें, प्यारी प्यारी पीसेस हैं। लाइक आपको ये जो एलिफेंट पेयर दिख रही है मार्बल वाली, वो 300 बता रहे हैं, ये देंगे पता नहीं कितने का। विंड चाइम्स हैं, हैंगिंग आइटम्स हैं इनके पास, एंड ये मैग्नेट वाले स्टिकर्स हैं। ये मैं लेती हूँ आगे, अगर मुझे मिलता है, अदरवाइज मैं यहीं से आके लेती हूँ, अच्छे लग रहे हैं मुझे। और आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, 300 साढ़े 300 रुपए के हिसाब से वो छोटी छोटी पीसेस मिल रही हैं। और अगेन काफ़ी प्यारे सूट्स हैं यहाँ पे, लेकिन इस टाइप के सूट्स मेरे पास हैं तो मैं यहाँ पे लेने वाली नहीं हूँ। थोड़ा सा ये बैग्स कितने में दिए? सही लग सही से। तो भैया ने मुझे 250 रुपये एक बैग का बताया था, इस हैंड बैग का। बार्गेन करने पे इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ पर पीस दिया है। मतलब मैंने दो हैंड बैग इस तरीके से यहाँ से परचेज किए थे, तो मुझे 200 रुपये में दो मिला, मतलब 100 रुपये का एक दिया। इन्होंने बताया 250 था, मतलब पूरे 150 रुपये का बार्गेन किया मैंने। हालांकि नाइट हो रहा था, इनको क्लोज भी करना था तो दे दिया, और यही रेंज ही होगा इनका। तो आप जब भी ऐसे मार्केट आए, जौहरी बाजार जाएं, बापू बाजार जाएं, मतलब किसी भी जयपुर में जब आप ओपन मार्केट में जाएं तो आप फुल बार्गेन करें। तो यहाँ मिल रहे मैग्नेट्स के ये स्टिकर्स, मैंने 600 में 6 ये लिए हैं राजस्थान के याद के तौर में। तो अब हम लोग जौहरी बाजार से वापस जा रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, सब कुछ बंद हो रहा है। तो जो लेनी थी गिफ्ट्स वगैरह थोड़े बहुत, वो मैंने ले ली अपने फैमिली के लिए कुछ बार्गेन करके, और अब चल रहे हैं वापस। मार्केटिंग हो गई हमारे फिनिश, कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है घर के लिए। सो ये थे मेरे मार्केट के ब्लॉग्स। तो अगर आपको जयपुर की मार्केटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और एक बार जयपुर की ब्लॉग में, जयपुर के स्टाइल में, राम राम सा।